अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मूल उद्देश्य बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पहले के समय में बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी रूढ़िवादी प्रथाएं काफी प्रचलित हुआ करती थी। इसी कारण लड़कियों को शिक्षा, पोषण, कानूनी अधिकार और चिकित्सा जैसी चीजों से वंचित रखा जाता था। हालांकि अब इस आधुनिक युग में लड़कियों को उनके अधिकार देने और उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार भी इस दिशा में बढ़ चढ़ कर काम कर रही है, कई योजनाएं भी लागू की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत साल 2012 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और उन्हें उनके अधिकार प्रदान करने में मदद करना है। इसके अलावा उनके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करना और अपनी जरूरतों को पूरा कर पाना भी इसका उद्देश्य है। साथ ही लड़कियों के प्रति होने वाली लैंगिक असमानताओं को खत्म करने के बारे में जागरूकता फैलाने में भी इसकी मदद ली जा रही है। आज ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाने लगी है, अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है, अपने करियर पर ध्यान दे रही है। अब उन पर कम उम्र में शादी करने के लिए जोर नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए कई आंदोलन किए जा रहे हैं, जिनमें बाल विवाह, शिक्षा असमानता, लिंग आधारित हिंसा, आत्मसम्मान और लड़कियों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों से निपटने और पीरियड्स के दौरान पूजा स्थलों या सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश करने जैसी गंभीर बातें शामिल हैं। लड़कियां ये साबित कर रही है कि अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार पहला अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2012 को मनाया गया और उस समय इसका थीम बाल विवाह को समाप्त करना था। आपको बता दें कि भारत सरकार ने भी बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए कई प्रकार की योजनाओं को लागू किया है, जिसके तहत बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ एक उल्लेखनीय योजना है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार भी इसे लेकर कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू कर रही है। भारत में भी 24 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है।